नारायण नारायण। अब यह बुद्धि तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर, कैलाश पति अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आपको भी मुनिवर। प्रभु हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते आए, परंतु आज यहां आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्व देवों के देव महादेव स्वयं भू सर्व शक्तियों के अधिपति एक ही है। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और मैं उनकी ही रचना है, जिसका नाम शिव है। और शिव तो एक ही है जो निराकार है, और वे हम सबसे ऊंच है। प्रभु शिव आप सबसे ऊंच है, परंतु प्रभु आप और शिव में अंतर क्या है? जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है, और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो उन्हें साकार ना ही हमारी तरह आकारी शरीर है। वे तो प्रकाश स्वरूप है, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही मेरे सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। आपने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, यह ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का ही यादगार है। नारायण नारायण। वह प्रभु, आपने तो ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य बता दिया, किंतु प्रभु आपके पास तो वो तीसरी आंख है जिसे खोलते ही विनाश होता है। नारायण नारायण। हे मेरे प्रिय भक्तों, वास्तव में आप सबके पास भी वो तीसरी आंख है। शास्त्रों में मुझ अकेले की ही तीसरी आंख खुलने से विनाश दिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो, तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है, और फिर
विनाश बाहर नहीं पहले अपने अंदर के जो आसुरी संस्कार हैं उनका होता है। जब मेरे साथ आप सब भी तीसरी आंख खोलेंगे अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा।